हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कितना अनुपालन हो पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप आगरा कैंट से सुल्तानपुर होते हुए सदर की ओर जा रहे हैं तो जरा संभल के जाएं कि कहीं आप किसी हादसे का शिकार न हो जाएं, क्योंकि आगरा कैंट से सदर की ओर जाने वाली इस रोड की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये आलम तो तब है जब इस सड़क के लिए एक नहीं बल्कि कई रहनुमा है, लेकिन रहनुमाओं को इस सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाले हादसों की कोई परवाह नहीं है और न ही इन्हें वाहन चालकों की जिंदगी से कोई सरोकार है। वहीं इस रोड से निकल रहे कुछ वाहन चालकों से वार्ता की गई तो सभी का दर्द झलक पड़ा। लोगों ने कहा कि ये पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो इस अभियान में कोई तेजाई दिखाई नहीं दे रही है। आपके सामने उदाहरण के तौर पर आप देख ही रहे हो, खड़े हुए सड़कों पे 15 नंबर में कितना दिन रह गए, आज तारीख है 12, 13, 14, 15, 3 दिन में पूरे आगरा की सड़कें तो बन नहीं सकती, गड्ढे मुक्त हो नहीं सकती। और जबकि आज ये VIP रोड, कैंट रोड VIP रोड है, मगर फिर भी आप देख रहे हो सड़कों के क्या हाल है। पानी भर जाता है, बरसात के टाइम इतने एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, रिक्शे वाले ऑटो पलट जाते हैं। अब स्थिति आपके सामने, गड्ढे तो गड्ढे ही हैं, अभी कोई भराई तो इनकी हो ही नहीं रही है काफी समय से। काम तो चल रहा ही, मतलब स्लो चल रहा है काम। सड़कों की हालत देख ही रहे हैं कैसी है, कैंट रेलवे स्टेशन है सामने ही, फिर भी सड़कों में गड्ढे हैं, पूरा हाल है। मतलब काम धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, काम तेज चलना चाहिए, वैसे नहीं चल रहा है काम। अधिकारी नहीं, कोई सुनवाई कर रहे, तो बहुत खराब पड़ी। हाँ, अधिकारी भी ऐसे आते हैं, VIP रोड है, अधिकारी भी देख रहे हैं, मगर सुनवाई धीरे ही हो रही है। किस सड़क पर दिखाई दे रहा आपको काम? सड़क में तो अभी नहीं दिखाई दे रहा काम। कितना निकलना, कितना मुश्किल है आप लोगों को? मुश्किल तो है जी, गड्ढे हैं, खतरा तो है ही, एक्सीडेंट हो। हाँ जी, खतरा है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।